हेलो गाइज, वेलकम बैक सुनील अटोकार। सो आज आप सभी के सामने पेश है 4-स्टार रेटेड सेफेस्ट सेडान टाटा टिगोर। एंड आज आप लोग यहां पर देखेंगे टाटा टिगोर के टॉप मॉडल XZA प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट को। ग्रे कलर में आपके सामने कार खड़ी हुई जिसमें आपको मिलती 4-स्टार की सेफ्टी रेटिंग। इसके साथ अगर इसकी पैरेंज की बात करें तो 6,65,000 के आसपास एक्चुअल में स्टार्ट होगी एंड टॉप मॉडल में जाता है 9 लाख के आसपास पास। बाकी यहाँ पे आपको उसमें 4 वेरिएंट्स मिलेंगे। इसका बेस रहेगा XC, XM, XZ, XZ प्लस इसका टॉप मॉडल। पेट्रोल या CNG किसी में भी आप स्विच कर सकते हैं, यानी कि आपको उसमें बायफ्यूल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड इस गाड़ी में कुछ आपको फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको मिलेंगे लेदर की सीट, इसी के साथ ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स। ऑटोमेटिक हेडलैम्प तो हालांकि इस सेगमेंट की दूसरी कार्स में भी मिलेंगे, बट रेन सेंसिंग वाइपर जो आपको उसमें दी जाएंगे वो आपको दूसरी कार्स में नहीं मिलेंगे, ना ही मिलेगी वहाँ पर 4-स्टार की सेफ्टी रेटिंग जो आपको दी जाती है इस कार के साथ। तो सबसे पहले अगर आपको दिखाएं इसकी स्मार्ट की, तो इस तरह कुछ यहाँ पर रहेगी जिसमें लॉक अनलॉक बूट अनलॉक फुली मैडम्स का बटन रहेंगे। पीछे देखेंगे टाटा का लोगो। अब आइए चलते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। फ्रंट प्रोफाइल से इस तरह कुछ बेहतरीन से आपको देखने को मिलेगी ये कार। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको टाटा का लोगो, टायरो डिजाइन पैटर्न के साथ इसकी क्रोम वाली ग्रिल। देन हेडलैम्प्स वगैरह देखते हैं तो आपको प्रोजेक्टर या ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप देखने को मिलेगा, हालांकि वही रहेंगे पीले वाले प्रोजेक्टर्स। लो बीम के लिए प्रोजेक्टर्स, हाई बीम के लिए हैलोजन्स। साइड में यहाँ पर रहेगी इसमें इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। नीचे जाएंगे तो फॉग लैंप्स आपको दिए गए। यहाँ पर देखेंगे DRL, डे टाइम रनिंग लाइट्स, इसी के साथ टोइंग का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं इसके फ्रंट बम्पर में। नीचे का इस तरह पूरा इसका फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 मिलीमीटर का आपको टाटा टिगोर के साथ इसका ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर इसके रेन सेंसिंग वाइपर्स की प्लेसमेंट, इस तरह कुछ प्लेन रूफ डुअल टोन का ऑप्शन लेना चाहें तो वो भी आपको मिलेगा इस कार के साथ। एंड अब इसके बाद जब देखते हैं साइड प्रोफाइल, तो सबसे पहले आपको दिखेंगे यहाँ पर इसके अलॉय जो आपको दिए जा रहे हैं बड़े से 15 इंचेस के, डायमंड कट रहेंगे एकदम सॉलिड से। एंड वारंटी वगैरह भी आपको इसमें मिलती है 3 साल 1 लाख किलोमीटर की, जिसको फर्दर आगे भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके। कंपटीशन इस सेगमेंट में आप किसी से भी कराइए, लेकिन इसके जैसी आपको बिल्ड क्वालिटी यानी कि सेफ्टी रेटिंग नहीं मिलेगी। दूसरा यहाँ पे जो आपको इसमें कुछ मिलते हैं प्लस वाले फीचर, जैसे कि लेदर की सीट्स वगैरह, इस सेगमेंट की किसी भी कार्स में नहीं मिलेंगी। तो आइए पास से सबसे पहले आपको दिखाएंगे यहाँ पे इसके अलॉयस। ये आपको मिलने वाले 15 इंच के डायमंड कट, इस तरह इनका कुछ देखेंगे स्टाइल। टाटा का लोगो, आगे डिस्क ब्रेक्स रहेंगे, पीछे ड्रम ब्रेक्स। टायर सेक्शन की अगर इनकी बात करें तो 175/60 और 15 इंच के यहाँ पे देखने को मिलेंगे रेडियल के टायर्स। देन इसके बाद बात आती है इसके आउटसाइड मिरर्स की, ये आपको मिलेंगे यहाँ पे ऑटो फोल्डेबल। तो गाड़ी को जब भी यहाँ पे लॉक अनलॉक करेंगे तो फोल्ड एंड फोल्ड हो जाएंगे। इसी में यहाँ पर रहेगी इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। ए पिलर वगैरह भी देखेंगे सेम यहाँ पे बॉडी कलर, इसी के साथ बी पिलर्स वगैरह भी आपको उसी तरह देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके बाद पीछे यहाँ पर देखेंगे इसका फ्यूल फिलर कैप, यहाँ से आप इसमें डालेंगे पेट्रोल। CNG वेरिएंट्स में जाएंगे तो उसका भी आपको यहीं पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 35 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है इस कार की। रियर में आपको नॉर्मल से ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, आगे तो रहेंगे डिस्क ब्रेक्स। बाकी ये रहेगी इसकी बड़े सी पूरी यहाँ पे बैक प्रोफाइल। लाइट्स अगर आपको ऑन करके दिखाएं तो यहाँ पे आपको उसमें LED बैक लाइट्स देखने को मिलेंगी। बाकी सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया टाटा का लोगो, जस्ट उसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा, यहाँ पे देखेंगे क्रोम वाली स्लाइड। टिगोर की यहाँ पे आपको बैजिंग मिलती है, बाकी लाइट्स आपने देख ली व्हाइट कलर की आपको मिलेंगी। इसी में यहाँ पे आपको मिलेगी इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे डिफॉगर हो गया, हाई माउंट स्टॉप लैंप, छोटा सा पतला सा देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पॉयलर, एंड ये रहेगा इसका शार्फेन एंटीना। वोकल फॉर लोकल ब्रांड है तो उसके भी देखेंगे आपको यहाँ पे स्टिकर देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे बम्पर देखेंगे सेम बॉडी कलर, इसमें दो मिलेंगे आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पर रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी देख सकते हैं दोनों साइड। एक क्रोम की स्लाइड यहाँ पर रहेगी इसके पूरे बम्पर में। देन नीचे का इस तरह पूरा आपको रियर सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा, इसी के साथ इधर यहाँ पे इसकी एक एग्जॉस्ट पाइप। एंड इसके बाद अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। पीछे से आपने पूरा देख लिया तो अब आइए देखते हैं इस टाटा टिगोर में कितना आपको मिलेगा बूट स्पेस। सो इस कार में आपको मिलता है वो 419 लीटर के आसपास बूट स्पेस। 420 लीटर का आपको बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाएगा, जहाँ पे अपना पूरा सामान वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। बूट लाइट यहाँ पे ऊपर की साइड आपको देगी, हालांकि कोई भी इंसुलेशन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे नीचे रहेंगे स्क्रीन की प्लेसमेंट, आपको नॉर्मल साइज स्टील मिलेगा एंड ये आपको मिलता है 13 इंचेस का, यानी कि देखेंगे मोटा मोटा दो साइज आपको छोटा मिलेगा। यहीं पर जैक टूल पाना, सारी टूल किट आपको रखी हुई दिख जाएगी। तो ये टाटा टिगोर का बड़े सा बूट स्पेस 419 लीटर का। यहीं पर अगर आप इसके ट्विन सिलेंडर में जाएंगे CNG वेरिएंट्स में तो इतने में भाई साहब टैंक लग जाएगा, तब भी आपको बड़े सा बूट स्पेस मिल जाएगा 200 लीटर के आसपास। यहाँ पे भी देखेंगे तो पूरा प्लेन सा रहेगा, इसको भाई साहब कवर नहीं किया गया, बहुत सी कार में यही होता है। वैसे इसको कवर करते तो देखने में और अच्छा सा लगता पूरा इसका टेल गेट। इसको अभी यहाँ पे करेंगे बंद एंड अब इसके बाद चलेंगे गाड़ी के अंदर। अंदर चलने से पहले बात करें अगर इसके डायमेंशन के बारे में, तो टाटा टिगोर में आपको मिलने वाली है 3993 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे लेंथ, 1677 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे विथ, 1535 से 3232 मिलीमीटर के आसपास इसके यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाएगी। व्हील बेस वही रहता है 2450 मिलीमीटर के समथिंग। तो ये बात थी यहाँ पे इस गाड़ी की पूरी डायमेंशन की। कंपटीशन इस सेगमेंट में आपको दूसरा ऑप्शन मिलेंगे हुंडई ऑरा, होंडा अमेज, इसी के साथ साथ बड़ा सा मारुति डिजायर जैसे, बट यहाँ पे इसके जैसे आपको कोई भी बिल्ड क्वालिटी नहीं दे पाएगा, दूसरा लेदर की सीट नहीं दे पाएंगे इस सेगमेंट की दूसरी कार्स। हालांकि कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको एक दो हो सकता लगे मे बी कम, जैसे रियर AC वेंट्स एंड इसी के साथ
सिक्स एयरबैग जो रहते हैं स्टैंडर्ड, बट यहाँ पे उनकी जगह आपको बड़े से लेदर की सीट्स मिल रही, फोर स्टार की सेफ्टी रेटिंग, बाकी वोकल फॉर लोकल मेड इन इंडिया ब्रांड। तो ये आपने देखा ग्रे कलर में आपके सामने खड़ी हुई, ग्रे हो गया, इसी के साथ व्हाइट मिलता है, ब्लू मिलता है, मतलब इस तरह के काफ़ी ढेर सारे आपको उसमें कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब आइए चलते कार के अंदर, क्रोम गार्निश पूरी यहाँ पर रहने वाली स्टॉप फिटिंग के साथ, हैंडल भी आपको चारों देखेंगे क्रोम वाले देखने को मिलेंगे। अंदर की बात करें तो डोर ट्रिम सबसे पहले आपको दिखेगी जो दी गई है पूरी डुअल टोन में, यहाँ पे इसका डोर ओपनर, नीचे देखेंगे पावर विंडो का कंट्रोल, स्पीकर्स की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, और ये भाई साहब गजब के आपको मिलते हैं आपको लेदर की सारी सीट्स, जो इस सेगमेंट में आपको दूसरी कोई भी कंपनी ऑफर नहीं करती है, मतलब 9 लाख की रेंज में 8 लाख इसका एक्सट्रीम प्राइस रहेगा मैनुअल ट्रांसमिशन का। 3 पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे सीट बेल्ट्स वाले आपको मिलेंगे, और अंदर बैठने के बाद ये रहेगा इसका बड़े सा पूरा डैशबोर्ड का व्यू, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डिजिटल पूरा क्लस्टर। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर रूफ लाइट वाइट एलईडी वाली देखने को मिल जाएगी, बाकी यहाँ पे एक सिर्फ इसका वीक पॉइंट आपको दिखेगा, कोई भी रियर एसी वेंट्स आपको नहीं मिलते इस कार की किसी भी वेरिएंट में। बॉटल होल्डर दिया गया हल्का सा आपको देखने को मिलेगा बैठने के बाद, ये इसका रहेगा लेग रूम नी रूम, यहाँ पे अपना मैगजीन वगैरह खुद भी छोटा मोटा सामान लगा सकते हैं, दो बंदे आराम से बैठेंगे, थर्ड पर्सन को भी यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी डोर ट्रिम देख लीजिए, ये इसका ग्रैब हैंडल, हेडरेस्ट भी आपको इसमें फिक्स ही मिलेंगे, देख रहे हैं ना दोनों फिक्स रहेंगे। 3 पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे सीट बेल्ट्स के, चाइल्ड सीट पॉन्ट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलो ये बेहतरीन बात है कि अगर आपको ये नहीं मिल रहा कम से कम लेदर की सीट्स कंपनी दे रही है, इसके साथ 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी आपको ऑफर की जा रही है इस कार के साथ। प्लस और एक इसका प्लस पॉइंट रहता है फर्स्ट इन सेगमेंट, आपको सीएनजी में भी ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन मिलेगा अगर आप लेना चाहें तो। अब आइए चलते कार के बाहर, तो जब आप गाड़ी के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर एक सेंसर, बड़ा सी स्मार्ट की मिलेगी ना, इसी से अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। डुअल ट्रिम दिखा दें तो यहाँ पे पूरी डुअल टोन में देखने को मिलेगी, जिसमें ऑल 4 पॉइंट्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे डोर ओपनर, नीचे देखेंगे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा इनकी डोर्स में, ORB मर्जेस्टिक के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए सारे, बाकी रहेगा इसका बड़ा सा पूरा डैशबोर्ड का यहाँ पे व्यू। लेदर की सीट्स आपको मिलने वाली इसके स्टॉप मॉडल में, बड़े सेवन क्वालिटी की हाइट एडजस्टमेंट सीट क्लाइम दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाते हैं। नीचे जाएंगे तो इसका ये फील्ड लीड ओपनर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो इसके पैडल, साइड में डेड पैडल, एंड ये रहेगा आगे का बोनेट खोलने का इसका लीवर। अब आइए चलते कार के अंदर बैठ के आपको दिखाते इसका पूरा इंटीरियर एंड डैशबोर्ड, तो चलिए शुरू करते हैं बंदर का। सबसे पहले इग्निशन देखेंगे, फुल्ली डिजिटल आपको मिलने वाला है यहाँ पे, बड़े से इसकी पूरी लेदर अप स्टीयरिंग व्हील जिसमें रहेगा टाटा का लोगो। तो लेदर अप तो आपको मिलेगी, जाहिर सी बात इसका टॉप मॉडल है, इसी के साथ आपको इधर क्रूज कंट्रोल मिलेंगे, यहाँ पे टेलीफोनिक इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स, ये भाई साहब चालू तो इसको यहाँ पे करेंगे म्यूट। बाकी देखने में स्टीयरिंग एकदम तगड़ी से रहने वाली है, बाकी इधर तो मैंने आपको बताया था टेलीफोनिक इन्फोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बाकी एडजस्टमेंट यहाँ पे बचता है तो वो भी आइए आपको दिखाते हैं। ये रहने वाली है टिल्ट एडजस्टेबल यहाँ पे इसके स्टीयरिंग व्हील, इसको करेंगे यहाँ पे फिक्स, इधर यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल दिए गए, इधर जाएंगे तो यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल, फुल्ली डिजिटल यहाँ पे क्लस्टर्स में काफी सारी चेकलाइट्स वगैरह, एंड इसके स्टॉक मॉडल में TPMS भी आपको मिलेगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, देखिए किस टायर में कितने हुआ सारी आपको डिस्प्ले हो जाएगी, 31 31 चारों टायर्स में यहाँ पे आपको प्रेशर देखने को मिल जाएगा। बाकी ऑडियो दिखा रहा है 66 किलोमीटर भी हमारी गाड़ी चल चुकी है, रेंज वगैरह पे नील दिखा रहा है, और जो भी देख रहे हो ट्रिप एवरेज माइलेज रेंज वगैरह सारी चीजें, ये टॉगल दिया गया ना ये वाला जो राइट साइड में आपको मिलता है, इसको इस तरह कुछ प्रेस करके सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। ये बात होगी इसके क्लस्टर की, स्पीड वगैरह तो इसी में डिजिटल फॉर्म में शो होगी, बाकी RPM मीटर इधर दिखेगा, एंड पेट्रोल वाले बार्स यहाँ पे, टेम्परेचर वाले बार्स ऊपर की साइड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड ये बात हो गई इसके स्टीयरिंग व्हील की, देन इसके बाद डैशबोर्ड पूरा डुअल टोन में, फर्स्ट इन सेगमेंट इस कार में आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, वो क्या रहेंगी, ये भाई साहब इसकी लेदर की सीट्स मिलती है आपको इस सेगमेंट की किसी कार में, चाहे आप फिमडी ऑरा में जाइए या इसके अलावा जाइए मारुति डिजायर में, होंडा अमेज में, किसी में भी आपको नहीं मिलेंगी, बट आपको मिलेंगी स्टिगोर के साथ। इसी के साथ साथ यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आपको मिलते हैं जिस सेगमेंट की दूसरी कार्स में नहीं मिलेंगे। बाकी सेंटर कंसोल की बात कर रहे थे तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे तो दिया गया हेडलाइट का स्विच, AC वेंट्स ब्लैक फिनिश में, जिसका सराउंडिंग यहाँ पे बड़ा सा पूरा क्रोम ट्रीटमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो पावर्ड बाय हरमन वाली 7 इंचेस वाली यहाँ पे इसकी टच स्क्रीन, जो जिसमें आपको कनेक्टिविटी एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले, USB ऑक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एप्लीकेशंस वगैरह ये भाई साहब आपने देख ली, ये यहाँ पे रहने वाली है, रेडियो, एप्पल, एंड्रॉयड, USB, फोन, ब्लूटूथ सेटिंग, बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देख लीजिए, इस तरह कुछ एवरेज सी यहाँ पे इसकी कैमरे की क्वालिटी एंड क्लियरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। इसको यहाँ पे करेंगे बैक तो ये हो गया फिनिश। बाकी नीचे आएंगे तो फॉग लैंप्स के कंट्रोल से यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन, CS का रहेगा बूटन लॉक का बटन, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। बट डिस्प्ले सोचेंगे कहाँ है भाई साहब, तो डिस्प्ले का खेल पता क्या है, देखिए सब चालू है, डिस्प्ले आपको मिलता है यहाँ पे इसके टच स्क्रीन में, यहाँ से फ्लो टेम्परेचर वगैरह सभी कुछ अपने हिसाब से पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे अपना डिफॉगर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लो वगैरह यहाँ से चेंज कर लीजिए, एंड ये इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट यहाँ पर दिए गए नीचे की तरफ, टाइप ए टाइप सी दोनों ही आपको मिलेंगे यहाँ पे, USB के पोर्ट्स, बाकी स्पेस वगैरह यहाँ पर रहने वाला है,
ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो भाई साहब ऑटोमेटिक आपको मिल रहा है, पेट्रोल में भी मिलेगा, सीएनजी में भी मिलेगा। भाई साहब फर्स्ट इन सेगमेंट आपको सीएनजी में ऑटोमेटिक ऑफर कर रही है टाटा, जो टिगोर एंड टियागो दोनों में ऑफर करती है, जिसमें भी लेना चाहें ले सकते हैं। इधर की तरफ दो ग्लास होल्डर जिसमें रखी हुई भाई साहब हमारी चाबी, तो ये आपको मिलती है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपको मिलती है स्मार्ट की, जो टाटा की सभी कार्स में कॉमन रहेगी। लॉक अनलॉक बूटर लॉक फुल मैडम, इसके बटन पीछे रहेगा, टाटा का लोगो, दोनों स्मार्ट कीस यहाँ पे आपको दी जाएंगी। हैंड ब्रेक वगैरह देख लीजिए, ग्लास होल्डर्स मैंने आपको बता ही दिया। एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट भी यही आपको देखने को मिल जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे। बाकी एयरबैग्स आपको दो मिलेंगे इस कार में, एक वहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। स्टैंडर्ड फीचर रहेगा, 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग तो आपको मिली जा रही है जो ग्लोबल एनकैप इस गाड़ी को प्रोवाइड करती है। रेटिंग अच्छी हो गई, 2 एयरबैग्स रहेंगे। हालांकि अब इस सेगमेंट में वैसे अपडेट करते करते कुछ कंपनियाँ 6 एयरबैग्स भी दे रही हैं। ग्लव बॉक्स की बात कर लें तो ये यहाँ पे रहने वाला है इसका ग्लव बॉक्स, ये बढ़िया सा कूल्ड आपको दिया जाएगा, ये देख रहे हैं ना। टैबलेट होल्डर भी मिलेगा यहाँ पे, अपना पूरा रख लीजिए सामान वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ट्विटर्स वगैरह वहाँ पे प्लस में रहेंगे। ऊपर की तरफ इसका मैनुअली एडजस्टेबल ये रहेगा इसका यहाँ पे IRVM। माइक वगैरह बात बात करने के लिए इधर यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलता है वैनिटी मिरर। देन इस तरह जब नज़र डालेंगे कोडाइवर साइड, इधर भी आपको मिलेगा वैनिटी मिरर। दोनों तरफ फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं। तो ये था यहाँ पे स्टार्टअप टिगोर के टॉप मॉडल का ब्रश अंदर का पूरा डैशबोर्ड। आपको कैसा लगा आप मुझे बताएगा कॉमेंट सेक्शन में इस सेगमेंट की। चलिए अब ऑफ करते इसके इग्निशन को, चलते गाड़ी के बाद फिर बात करते फाइनली इसके इंजन स्पेक प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। सो अंदर का आपने पूरा देख लिया, अब आपको दिखाते हैं इसका इंजन स्पैक। यहाँ से खोलेंगे इसके बोनट को। इस कार में जैसा कि जानते हैं आपको बाई फ्यूल वही सिर्फ आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, पेट्रोल के साथ सीएनजी, बाकी डीजल वगैरह का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा स्टार्टअप टिगोर के साथ। यहाँ से खोलेंगे इसके बोनट को तो ये आपके सामने पेस है इसका 1.2 लीटर में 3 सिलेंडर रिवर्टॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन। इस तरह पूरी इंजन की प्लेसमेंट देख लीजिए यहाँ पर रहने वाली है। इधर यहाँ पर इसका बैटरी वगैरह का पूरा कंपार्टमेंट, ऊपर यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह भी आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। चलिए इसको करते बंद, फिर बात करते हैं इसके पावर फिगर के बारे में। इसके पावर फिगर के बारे में तो इसके 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवर्टॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आपको मिलेगी 86 पीएस की पावर एंड 113 एनएम का टॉर्क। पेट्रोल इंजन के साथ आपको माइलेज वही आपको इसके साथ मिलने वाली 19 से 20 केएमपी तक। यहीं पर जब इसको स्विच करेंगे सीएनजी में, अगर सीएनजी वेरिएंट्स में जाएंगे तब आपको मिलेगी 72 पीएस की पावर 95 एनएम का टॉर्क, वहाँ पर समथिंग 26 तक माइलेज मिलता है इसके सीएनजी वेरिएंट के साथ। एंड अब फाइनली बात आती है इसकी कीमत की, अगर आप इसके XZF प्लस वेरिएंट को लेंगे यानी कि टॉप ऑटोमेटिक, तब आपको पड़ेगी 8,60,000 एक्स रूम एंड वाई जाएगी 9,73,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। यहाँ पर अगर आप इसका मैनुअल लेंगे XZF प्लस तब आपको पड़ेगी 8,00,000 रुपये एक्स रूम एंड 9,07,000 जाएगी ऑन रोड। सेफ्टी फीचर्स में आपको उस गाड़ी के साथ ABS विद EBD, 12 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन मोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, TPMS जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस 4 स्टार रेटेड सेडान कार के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो स्टार्टअप टिगोर के टॉप मॉडल पे। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील फिर मिलूंगा आपको अगले किसी बड़े से बेहतरीन से वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।